दोस्तों मेरे बहुत से एचआईवी वॉरियर्स हैं, वो मेरे से सवाल करते हैं कि सर आपका जो फॉर्मूला है, आपकी जो दवाई है, आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं देते हो, आगे क्यों फॉरवर्ड नहीं करते हो इस चीज को। सो मैं आज के वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूं कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो क्योंकि मैं हर इंसान को अलग अलग समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं हर आदमी को जो भी मेरे को कॉल करे और मैं फिर उसको 15 मिनट का लेक्चर दूं, क्या मतलब। मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए इस बारे में। तो दोस्तों देखो क्या होता है ना, कि ये चीज आप भी जानते हो कि ये जो हमारा देश है विभिन्नताओं वाला देश है, और बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं ऑन रिकॉर्डिंग नहीं बोल सकता, पर आप सब भी जानते हैं। तो क्या होता है ना कि जो ये प्रोसीजर्स होते हैं, इनमें अब बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि जो कोरोना की एक वैक्सीन वैक्सीन नहीं सॉरी दवाई आई थी, जो कि कोरोनिल नाम से पतंजलि की, तो उसमें गवर्नमेंट बाबा रामदेव ने बकायदा इसके ट्रायल्स भी दिए थे, पेशेंट्स भी ठीक किए हैं, हो भी रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, वरना वरना क्या हालत होती। तो पेशेंट ठीक हो भी रहे हैं आयुर्वेद दवाइयों से, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद को एलोपैथी से छोटा समझा जाता है हमारे देश के अंदर। तो साथ ही साथ जो एलोपैथिक जो माफिया होता है, एलोपैथी माफिया है, वो उनका बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, अरबों खरबों का नेटवर्क है। तो ये लोग पैसे खिला के अधिकारियों को सारा अपना कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, आयुर्वेद को आगे नहीं आने देंगे कभी भी। तो अब वो जब बाबा रामदेव जैसी बड़ी फर्म है, वो कोरोनिल की कोरोना की दवाई के नाम से अप्रूवल नहीं ले सकी, वो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी डेवलपमेंट के नाम से अप्रूवल ले सकी, कोरोना की दवाई के नाम पे अप्रूवल नहीं ले पाई है। तो वो तो यार करोड़ों की फर्म है, फिर भी नहीं ले पाई। मैं क्या हूं उसके सामने, जबकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इससे लेके, एचआईवी और अमेरिका की साजिश को लेके, जिसका मैंने ऊपर लिंक भी दिया हुआ, और एक और वीडियो जल्दी मैं इसके ऊपर डालने वाला हूँ। तो ये क्या करते हैं ना कि बड़े बड़े जितने भी अधिकारी हैं या फिर कुछ गद्दार हमारे देश के हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, तो उनका क्या होता है ना कि वो लोग उनको पैसे खिला के और ये सब अपना बस में करते हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है, अब जो लोग जिस कंपनी का टर्नओवर, अब अमेरिका है, अमेरिका की जितनी भी एचआईवी की दवाइयां होती हैं वो सारी अमेरिका बनाता है, ठीक है, ज्यादातर। तो अमेरिकी कंपनियां इंडिया के अंदर पर जो ईयर है उनका टर्नओवर खरबों में है, लाखों करोड़ों में। मैंने वीडियो बनाया उसमें पूरा एक पूरा का पूरा इसके अंदर एक रेशियो मैंने बताया हुआ है कि कितना कितना इनका एक टर्नओवर होता है, एक साल का कितना होता है, महीने का कितना होता है, पूरा बताया हुआ मैंने उसमें। तो लाखों करोड़ों के अंदर होता है। अगर एक एचआईवी की दवाई कोई कंपनी निकाल दे इंडिया के अंदर, या आयुर्वेद में इसकी दवाई आ जाए, तो सबसे पहले आयुर्वेद का नाम ऊपर हो जाएगा, दूसरी बात पूरा मार्केट इनका, क्योंकि ये तो है नहीं, अगर दवाई दे दी ठीक हो गया पेशेंट, साल 1.5 साल 2 साल वो दवाई लेगा ठीक हो जाएगा, फिर वो आगे दवाई क्यों लेगा। और वहीं एआरटी की बात करें तो एआरटी पूरी जिंदगी चलती है, तो गल्ला तो पूरा जिंदगी चलेगा। एक पेशेंट को एचआईवी हो गया मान लो, ठीक है, तो अगर वो उसको एआरटी चालू की तो वो पूरी जिंदगी चलेगी, ये तो है नहीं, वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक चलेगी, ठीक है, और मर गया तो फिर तो एक और पेशेंट है, क्या दिक्कत है, पेशेंट आते रहेंगे, गल्ला चलता रहेगा उनका। हाँ, तो ये पूरा एक सिस्टम होता है, हर चीज जैसे इको सिस्टम है ना, ऐसे ही चलता रहेगा इस देश में। और कोई अच्छा करने का सोच ना, तो कुछ कोई इनोवेटिव करना चाहता है और ना ही कुछ कोई कर पाएगा। तो मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन थी वो निकालने के लिए मैंने वीडियो बनाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो मत कीजिए, एज यू विश। मेरा फर्ज था आप तक एक संदेश पहुंचाना, एक जानकारी देना। मैं मिलता हूं आपको कोई अच्छी जानकारी के साथ। अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, जुड़ जाओ और मुझे फॉलो करो। मैं मिलता हूं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ कोई अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।